तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी टॉप 6 मूवीज लेकर आया हूँ। और दोस्तों आज की फिल्में कुछ हटके वाली है, मतलब इन फिल्मों की स्टोरी लाइन अनप्रेडिक्टेबल है, लास्ट तक आपको उलझाए रखेगी। आखिर इनकी कहानी क्या है आप लोग सोच में पड़ जाओगे, जिसमें कुछ फिल्में आपको इन्वेस्टिगेशन का मजा देगी और कुछ फिल्मों में आपको सस्पेंस और मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है देजावू। दोस्तों इसमें आपको एक मिस्टीरियस किडनैपिंग वाला केस देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक डीजीपी की लड़की एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। किसने गायब किया और क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। फिर उसके बाद एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हायर किया जाता है ताकि इस मिस्टीरियस किडनैपिंग को सॉल्व कर सके। दोस्तों इस मूवी में आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का मजा आएगा और सस्पेंस तो इसमें कूट कूट के भरा है, मतलब आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी ये फिल्म। दोस्तों ऑलमोस्ट ये मूवी काफी अच्छी है, 100% आपको सस्पेंस थ्रिलर का मजा देगी। नंबर 2 पे 7। दोस्तों ये भी एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन फिल्म है। इसकी कहानी की बात करें तो इसमें आपको एक कार्तिक नाम के आदमी की मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो आपको लास्ट तक उलझाए रखेगी। दरअसल इसमें एक कार्तिक नाम का इंसान कई महीनों से गायब था, फिर इसके बाद कई सारे लोग कार्तिक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारे औरतें भी कार्तिक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं कि कार्तिक उनका पति है। और दोस्तों तब सारे ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक बूढ़ा आदमी आता है और कार्तिक को मैं जानता हूँ ऐसा दावा करता है, पर दोस्तों अगले ही दिन उस बुढ़े आदमी की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आखिर में कार्तिक मिलेगा या नहीं और कार्तिक आखिर में कौन है, ये तो आपको फिल्म में ही देखना होगा। नंबर 3 पे है थोंडू मुथुलम दृश्य शिवम। दोस्तों इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक मैरिड कपल होता है प्रसाद और श्रीजा, जो काफी ज्यादा गरीब होते हैं और पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है। फिर प्रसाद और श्रीजा उनकी सोने की चेन बेचने का फैसला करते हैं, पर दोस्तों एक दिन प्रसाद नाम का चोर उनकी सोने की चेन चुरा लेता है। फिर इसके बाद असली कहानी शुरू होती है और कई सारे राज ओपन होने लगते हैं। दोस्तों ये मूवी आपको सस्पेंस और थ्रिलर का मजा 100% देगी। और दोस्तों कुछ ऐसी इमोशनल और सस्पेंस वाली कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप एक बार तो जरूर इस मूवी को देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 4 पे है यूटर्न। दोस्तों ये एक हॉरर थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म है और दोस्तों इसमें आपको एक स्लो हॉरर इन्वेस्टिगेशन कहानी देखने को मिलेगी जो आपको मूवी के लास्ट तक बनाए रखेगी। दोस्तों इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक रचना नाम की रिपोर्टर होती है जो एक फ्लाई ओवर पे हुए एक्सीडेंट के बारे में एक क्राइम रिपोर्ट पर काम कर रही होती है। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक घर में एक आदमी मारा जाता है जिसका इल्जाम रचना पर लग जाता है। और दोस्तों इस मर्डर का और उस फ्लाई ओवर पे हुए एक्सीडेंट का कुछ तो कनेक्शन है, और दोस्तों क्या कनेक्शन है ये तो आपको फिल्म में ही देखना होगा। दोस्तों ये भी एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 पे है रस्सासन। दोस्तों ये एक सस्पेंस थ्रिलर और सीरियल किलर पर बनी एक बेहतरीन फिल्म है। इसकी कहानी की बात करें तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एक समुक्ता नाम की 15 साल की स्टूडेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसे काफी ब्रूटली और सीरियल तरीके से मारा होता है। फिर इसके बाद और भी कई सारे स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती जाती है और दोस्तों तब जाके ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस होता है। फिर भी दोस्तों इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए किसी भी स्पेशल ऑफिसर को हायर नहीं किया जाता है, पर दोस्तों अरुण नाम का पुलिस कांस्टेबल इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जी जान लगा देता है। दोस्तों ये भी एक सीरियल किलर पर बनी एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आप भूलकर भी मिस नहीं करना, अगर मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। नंबर 6 पे है विसरनाई। दोस्तों ये एक क्राइम और थ्रिलर फिल्म है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक नोवेल पर बेस है जो नोवेल रियल लाइफ ऑफ कुमार के ऊपर बनाया गया है, यानी कि ये फिल्म कुछ रियल इवेंट्स को दिखाती है। इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक चोरी के लिए 4 मासूम आदमियों को फंसाया जाता है, यानी कि शॉकिंग बात यह है कि ये चोरी उन 4 आदमियों ने कभी की ही नहीं थी, पर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस वाले उन 4 आदमियों को फंसा देते हैं। दोस्तों इस मूवी की कहानी एक अलग ही थ्रिल और सस्पेंस पैदा करती है, इसलिए आपको ये मूवी लास्ट तक देखने के लिए मजबूर करती है। और दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।